कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों, आज मैं आपसे खरपतवार की प्रजाति के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी सुना है कि खरपतवार की भी एक ऐसी प्रजाति होती है जो आपके शरीर और मन दोनों को ठीक रखती है, उसका नाम नागरमोथा है। अगर इसमें कुछ खास नहीं होता तो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल अपने राज्य में खरपतवार की एक प्रजाति नागरमोथा की खेती को बढ़ावा नहीं देते। हुआ यूं कि कृषि मंत्री ने राज्य के कृषि वैज्ञानिकों को खेत खलिहान में अक्सर पैदा होने वाले खरपतवारों पर रिसर्च करने की सलाह दी थी। इसी के चलते बस्तर के शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुमरावंड के कृषि वैज्ञानिकों ने मोथा की 35 से अधिक प्रजातियों तथा 120 किस्म की घास पर रिसर्च किया। अपने रिसर्च में यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने नागरमोथा की जड़ में मच्छर मारने वाले औषधीय गुण का पता लगाया और इसी से अगरबत्ती और कॉइल्स तैयार की गई और ये आज मच्छर मारने में रामबाण साबित हो रहा है। ऑर्गेनिक होने के कारण नागरमोथा से बने अगरबत्ती से निकलने वाला यह धुआं सेहत के लिए कतई हानिकारक नहीं होता। मच्छरों को आप हल्के में न ले जनाब। छोटा दिखने वाला मच्छर जंगलों के खूंखार जानवरों से ज्यादा खतरनाक होता है। हाथी जैसे ताकतवर और शेर जैसे फुर्तीले जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक। ये बड़ी तेजी से भिनभिनाते हुए आपके पास आते हैं और काटकर आपको बीमार बना देते हैं। इनके काटने से येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर आदि अनेक जानलेवा बीमारियां होती हैं, जिससे देश में हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। इन्हें मारने के लिए बाजार के केमिकल वाले कॉइल्स अगरबत्ती मौजूद हैं, उसके धुएं और गंध से भी बीमारियां होती हैं। सांस के रोगियों और बच्चों की तो मौत भी हो सकती है। ऐसे में नागरमोथा से तैयार अगरबत्ती और कॉइल्स इंसानों के लिए किसी संकट मोचन से कम नहीं। कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होने के कारण नागरमोथा का उपयोग भोजन के रूप में होता है। इसके तेल से शरीर के दर्द में भी बॉडी एक में भी राहत मिलती है। यही कारण है कि कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल नागरमोथा की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।